एडवांस वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे आ जाओगे, ये मेरा फेवरेट फीचर है। ये फीचर के लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था कि भाई कोई तो एंड्रॉइड लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में ये फीचर आ जाए ऐसा वाला, बहुत दिन से तरस रहा था। और फाइनली ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में वो फीचर आ चुका है। गाइस आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बताने वाला हूँ जो कि अवेलेबल है एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर आपके पास आईफोन है, आप किसी भी डिवाइसेज में अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को यूज कर सकते हो और अपनी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। चाहे आपको गेम प्ले की लाइव स्ट्रीम करना है या फिर आपको अपने सुंदर मुखड़े की लाइव स्ट्रीम करना है, दोनों टाइप की लाइव स्ट्रीम आप लोग कर सकते हो इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप की मदद से। और देखो एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के जो फीचर्स है ना वो बहुत ही प्यारे हैं, और जब आप लोगों को मैं इन सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों के भी दिल से आवाज निकलेगी वाह भाई क्या लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बताया है। और आप लोगों को भी ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के बारे में बताने के लिए। तो चलो यार फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग ऐप ये वाला जो है वो नया है, तो इसके इंटरफेस में आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो और कुछ ना कुछ चीजों को, कुछ ना कुछ सेटिंग को मिस कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोगों की लाइव स्ट्रीम अच्छे से नहीं होगी और आप लोग फिर से आके इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि भाई ये चीज अच्छे से काम नहीं कर रहा। और तब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भैया वीडियो पूरा देख लो तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में मैंने उस बारे में बताया है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो फटाक से शुरू करते हैं। तो गाइस जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप की हम बात कर रहे हैं वो है स्टारस्केप क्रिएटर स्टूडियो नाम से ये ऐप है। स्टारस्केप नाम से यहाँ पे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसकी डाउनलोड लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन यूजर हो, iOS यूजर हो तो आप लोगों को ऐप स्टोर पे भी ये ऐप मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और उसके बाद इस ऐप को ओपन करो। तो जैसे ही आप लोग इस ऐप को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, तो यहाँ पे आप लोगों को परमिशन देना पड़ेगा इस ऐप को। तो यहाँ पे टर्न ऑन करो और यहाँ पे कैमरा परमिशन और माइक्रोफोन परमिशन और स्टोरेज परमिशन आप लोगों को देना पड़ेगा, देना जरूरी है। कैमरा परमिशन दोगे तभी तो आपको ऐसा आपका सुंदर सा मुखड़ा दिखाई देगा इस ऐप में। तो जैसे ही ऐप चालू हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे देखो, आप लोगों को ये स्क्रीन जो है ये कैमरा से लाइव करने के लिए स्क्रीन है। तो अगर आपको अपनी फेस कैम वाली लाइव स्ट्रीम करना है, अपने दर्शकों से बात करना है तो आप ऐसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक कैमरा लाइव का, एक रिकॉर्ड का। तो अगर आप लोगों को खाली अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना है, लाइव स्ट्रीम नहीं करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ पे रेडी पे क्लिक करो, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो है स्क्रीन लाइव वाला। यही ऑप्शन हम लोगों में से ज्यादातर लोग यूज करने वाले हैं क्योंकि हम लोग अपनी गेम प्ले की लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने मोबाइल फोन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अब कैमरा लाइव वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको मस्त अमेजिंग अमेजिंग से यूनिक से फिल्टर्स मिल जाते हैं जो आप लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हो और आपका जो चेहरा है वो एनीमे वाला चेहरा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लड़के वाला से लगा लिया। तो यहाँ पे इस फिल्टर को आप लोग चेंज कर सकते हो, जो भी फिल्टर आपको लगाना चाहे वो आप लोग लगा सकते हो और आपका चेहरा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपना चेहरा छुपा के अपने दर्शकों से बात करना चाहते हो तो आप लोग ये फिल्टर लगा के भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अपने IRL वाली लाइव स्ट्रीम में आप लोग ऐसे फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ये सारे फिल्टर लगाना है तो ये भी आप लोग चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं अपना मुखड़ा ऑन कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप लोग इसको भी थोड़ा बहुत ऐसा इफेक्ट्स, अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो अपने फेस कैम वाली लाइव स्ट्रीम पे। बट चलो यार ये फेस कैम वाली लाइव स्ट्रीम के बारे में ज्यादा बता के आप लोगों को मैं बोर नहीं करूंगा, सीधे आएंगे हम लोग स्क्रीन लाइव वाले ऑप्शन पे। स्क्रीन लाइव वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो लॉग इन कर लेना है अपने YouTube चैनल से जिसके ऊपर भी लाइव स्ट्रीम करना है, या फिर जो भी चैनल से जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव स्ट्रीम करना है वहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे रेडी पे टच करोगे ना तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग फेसबुक से लॉग इन कर सकते हो, ट्विच से लॉग इन कर सकते हो, यूट्यूब से लॉग इन कर सकते हो और नीचे यहाँ पे कस्टम RTMP वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉग इन नहीं करना है, समझ लो कुछ लोग होते हैं बहुत ही डरते हैं भाई कहीं पे भी लॉग इन करने से, तो अगर आप भी उन डरपोक लोगों में से हो, ठीक है यार डरपोक नहीं बट हाँ खुद की सेफ्टी देखते हैं लोग, बट सेफ है ये ऐप। ये ऐप को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जब से ये ऐप बन रहा है तब से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, अभी बना रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो में। तो ठीक है सेफ है वैसे ऐप, लेकिन फिर भी अगर आपको लाइव स्ट्रीम ये लॉग इन नहीं करना तो आप लोग कस्टम RTMP वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से फटाक से, उसके बाद आपको आगे की स्टेप्स बताता हूँ। तो जैसे आप लोग अपना ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे आपको अपना चैनल सिलेक्ट करना रहेगा कि आपको कौन से चैनल पे लाइव स्ट्रीम करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर गेमिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस चैनल पे समझ लो लाइव स्ट्रीम करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को परमिशन अलाउ कर देना है जो भी परमिशन ये मांगेगा, और वो सारे परमिशन जरूरी है क्योंकि आपको ओवरले ऐड करना है, आपको थंबनेल ऐड करना है, आपको लाइव स्ट्रीम करना है, आपको चैट्स भी पढ़ना है और बाकी सारी चीज़ें जो भी फीचर्स इस ऐप में है वो सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको ये सारे जो परमिशन है उसको अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे परमिशन को अलाउ कर दिया, लॉग इन कर लिया, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अब लाइव स्ट्रीम करने के लिए आप लोगों को
रेडी पे टच करना है, बट लाइव स्ट्रीम करने से पहले हम लोग लगाएंगे ओवरले अपने लाइव स्ट्रीम पे, क्योंकि उसके लिए तो सब तड़पते रहते हैं। और इसमें ओवरले वाला फीचर भी एकदम अलग है, यूनिक है। यूनिक बोले तो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग एक बार लेफ्ट स्वाइप करोगे, तो लेफ्ट स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। ओवरले ऐड करने का फीचर दिखाई देगा, इमेज ऐड करने का फीचर दिखाई देगा, टेक्स्ट ऐड करने का फीचर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग ओवरले वाले ऑप्शन पे जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको ओवरले को ऑन कर देना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ ओवरलेज बने बनाए थे यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि कुछ ऐसे हैं। तो ये ओवरलेज मेरे ख्याल से तो गेम की लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये जस्ट चैटिंग टाइप की लाइव स्ट्रीम करने के लिए ओवरले ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही ओवरले आपको इस ऐप में मिलेगा, जो कि बढ़िया है जस्ट चैटिंग के लिए। यहाँ पे इस ओवरले के लिए आपको नीचे और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फो अगर आप लोग ऑन करोगे तो यहाँ पे आप लोग अपने सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम वगैरह का नाम जो भी हैंडल का आईडी वगैरह वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो, तो आपकी लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगा वो भी। तो जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिख लेता हूँ, IG.exposure लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप लोग ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर जो स्क्वायर जो विंडो दिखाई दे रही है उसके नीचे देखो IG.exposure दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी वो वैसे ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो आपके ओवरले में ही राइट हैंड साइड में आपको आपके लाइव स्ट्रीम की चैट भी दिखाई देगी, आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगी, आपको नहीं दिखाई देगी वो यहाँ पे, आपके लाइव स्ट्रीम पे आपकी चैट भी दिखाई देगी। नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है स्ट्रीमर मैसेज वाला, तो इसको ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पे आप लोग छोटा सा एक स्क्वायर आपको दिखाई देगा चैट के नीचे, वहाँ पे आप लोग कोई भी एक मैसेज टाइप करके रख सकते हो ताकि आपके लाइव स्ट्रीम पे वो मैसेज भी दिखाई देता रहे। तो यहाँ पे समझ लो मैं कुछ तो भी ऐसा लिख देता हूँ, घचड़ मुचुड़ लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो घचड़ मुचुड़ जो है वो लिख के आ चुका है नीचे वाले छोटे डब्बे में। तो वैसे इस ओवरले का मुझे नहीं लग रहा इतना ज़्यादा आप लोग यूज़ करोगे गेम की लाइव स्ट्रीम करते हुए, क्योंकि हम लोग अपनी गेम की लाइव स्ट्रीम करते हुए हम लोग चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पे हमारा गेम है और नीचे हमारा ओवरले दिखाई दे, तो उसका भी अच्छी तरीके से व्यवस्था इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में किया गया है। उसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एडवांस वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे आ जाओगे, ये मेरा फेवरेट फीचर है, ये फीचर के लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था कि भाई कोई तो एंड्रॉइड लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में ये फीचर आ जाए ऐसा वाला, बहुत दिन से तरस रहा था, और फाइनली ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में वो फीचर आ चुका है। अब देखो जिसको भी स्ट्रीम चैंप ऐप पता है, जो कि सिर्फ iOS के लिए अवेलेबल है, वो ये इंटरफेस से थोड़े से परिचित होंगे कि उनको पता होगा कि इसको कैसे यूज करना है, बट जो भी एंड्रॉइड यूजर्स उनको भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो वीडियो का ऑप्शन है, सबसे पहले तो आप लोग नीचे देख लो वीडियो बैकग्राउंड, और यहाँ पे आप लोगों को एक प्लस का आइकन मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग टच करोगे तो आपको और ऑप्शन दिखाई देगा इमेज टेक्स्ट और HTML ओवरले का। अभी जो HTML ओवरले वाला ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा डीप ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीम को कर सकते हो ये HTML ओवरले वाले ऑप्शन को यूज़ करके। इसके बारे में डेप्थ में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा HTML ओवरले को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करके आप लोग क्या क्या कर सकते हो, अलर्ट्स लगा सकते हो, ओवरलेज लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग HTML ओवरले को यूज़ करके, वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए हम लोग फिलहाल इमेज ओवरले को यूज करेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या करना है ना, आप लोगों को यहाँ पे आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और इस वीडियो वाले ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे स्क्वायर का जो वाइट वाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना कॉर्नर में, वहां पे आप लोग टच करके इस वीडियो वाले ऑप्शन को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे, आपकी लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पे कितने पोर्शन में आपकी लाइव स्ट्रीम दिखाई देना चाहिए, मतलब आपका गेम प्ले दिखाई देना चाहिए। तो आप लोग इसको यहाँ पे समझ लो ऐसा थोड़ा सा छोटा कर लो, और जितना आपने छोटा किया है नीचे आप लोग ओवरले लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा करके अगर आपको ऊपर ओवरले लगाना है, उल्टा लगाना है, तो आप लोग ऐसे इसको वीडियो वाले पार्ट को नीचे कर दो तो आपका वीडियो नीचे रहेगा, ओवरले ऊपर रहेगा, या फिर आप लोग इस वीडियो वाले पार्ट को ऊपर कर दो तो आपकी जो वीडियो है वो ऊपर रहेगी, ओवरले जो है वो नीचे रहेगा। यहाँ पे हमने इसको ऊपर कर दिया। अब रही बात ओवरले की, तो यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसको टच करना है, और यहाँ पे मैं इमेज ओवरले, मैंने एक इमेज बना के रखी है ओवरले की जो मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पे यूज करता हूँ, वही इमेज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे मैं इमेज पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो मेरा ओवरले इसको सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करके इसको कंप्लीटेड पे टच करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो ओवरले है वो आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे रिसाइज करूंगा, इस इमेज को थोड़ा बड़ा करूंगा, और इसको बड़ा करके यहाँ पे नीचे ला के इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा प्रॉपरली, बिल्कुल यहाँ पे इसको बरोबर नीचे एकदम सही से नीचे लगा दिया है। जैसे आपने इसको सही से नीचे लगा दिया आपको लग रहा है परफेक्ट हो चुका है, यहाँ पे नीचे इसको लॉक कर दो ध्यान से, इमेज वाले ऑप्शन को यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉक कर दो इसको,
इसको लॉक रखो, वीडियो को भी यहाँ पे आके लॉक कर दो। अब क्या होगा कि नीचे आपका ओवरले दिखाई देगा और ऊपर आपकी वीडियो दिखाई देगा, और खास बात यह कि आपके स्क्रीन पे आपको ओवरले नहीं दिखाई देगा, खाली आपकी लाइव स्ट्रीम पे आपका ओवरले दिखाई देगा। तो ये फीचर तो मुझे बहुत पसंद है। जैसे आपने ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर दिया है, अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी कुछ ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके अपने कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसका कलर वगैरह जो भी कलर का टेक्स्ट ऐड करना है वो करके यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। बट मुझे टेक्स्ट नहीं ऐड करना है फिलहाल, हम लोग सिर्फ ओवरले ऐड करेंगे और ऊपर यहाँ पे डन पे टच कर देंगे। जैसे यहाँ पे डन पे टच कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक बार और ऐसे राइट स्वाइप करना है, राइट स्वाइप करने के बाद रेडी पे टच करना है, रेडी पे टच करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ यूट्यूब करना है, जो कि लॉगिन करने के लिए बोलेगा। वैसे तो मैंने लॉगिन कर लिया, तो मेरे सामने अपने आप ये स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं समझ लो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। आपको फेसबुक पेज या कस्टम आरटीएमपी यूज करना तो आप वो यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फेसबुक को टच करूंगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे प्राइवेट लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ। प्राइवेट लाइव स्ट्रीम करके नेक्स्ट पे टच करूंगा। नेक्स्ट पे टच करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको गेम सिलेक्ट कर लेना है। गेम सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टच करना है, अदर गेम पे टच करना है, और यहाँ पे आप लोग जो भी गेम रेगुलरली खेलते हो उसको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं BGMI को ऐड कर लेता हूँ, डन पे टच करता हूँ और यहाँ पे BGMI को सिलेक्ट कर लूँगा। BGMI को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना स्ट्रीम का टाइटल जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइटल रख देता हूँ ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया मेरे स्ट्रीम का टाइटल। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना बहुत ही यूनिक डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ तो ऐसा 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 और उसके बाद में कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये हो गया मेरे लाइव स्ट्रीम की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में यहाँ पे और नीचे आओगे आप लोग तो बेसिक सेटिंग्स की ऑप्शन मिलेगी, जहां पे आप लोगों को टच करना है। और यहाँ पे आपको 1080p 720p 480p जो भी जितने भी पी में आपको रिजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीम करना है उतना रिजोल्यूशन आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो समझ लो मैं यहाँ पे 1080p सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पे आपको बिटरेट का ऑप्शन मिल जाएगा, बिटरेट के ऑप्शन में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आपका इंटरनेट स्पीड है और जैसा आपका फोन है। जितना हाई बिटरेट रखोगे उतनी हाई क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम होगी और उतना ही ज्यादा इंटरनेट भी चूसेगा आपका लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। तो अगर आपका इंटरनेट आपके पास कम रहता है लाइव और इंटरनेट की स्पीड भी कम है तो यहाँ पे बिटरेट आप लोग कम रखो, ठीक है। तो यहाँ पे 1080p के साथ समझ लो मैं बिटरेट रख लेता हूँ 5 Mbps। और मैं मोबाइल लाइव स्ट्रीम के लिए आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि 5 और 8 Mbps से ज्यादा बिटरेट रखो, ज्यादा से ज्यादा 8 Mbps बिटरेट रखो, उससे ज्यादा बिटरेट रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी मोबाइल पे ही लाइव स्ट्रीम देखते हैं ज्यादातर, तो इससे ज्यादा बिटरेट रख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 Mbps बिटरेट रख लेता हूँ, बैक करता हूँ और बिटरेट सेटिंग कर लिया हमने। एडवांस सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वही सारे ऑप्शन मिलेंगे ओवरले वगैरह सेट करने की जो कि हमने पहले से सेट कर लिया है। तो मैं डायरेक्ट डन कर देता हूँ। नीचे प्राइवेसी मोड इमेज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो प्राइवेसी मोड रहता है ना, जहाँ पे अगर समझ लो आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया आपके लाइव स्ट्रीम के दौरान और आपको अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ना है, उससे थोड़ा सा एक दो मैसेज चैट करना है कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ कृपया मुझे बाद में मैसेज करो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे प्राइवेट मोड को ऑन करके कर सकते हो। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके लाइव स्ट्रीम पे नहीं दिखाई देगी। आपके लाइव स्ट्रीम पे क्या दिखाई देगा? आपके लाइव स्ट्रीम पे ये इमेज दिखाई देगा। ये इमेज नहीं, यहाँ पे आप लोग अपलोड पे टच करके अपने हिसाब से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। जो भी आप लोग इमेज यहाँ पे बी राइट बैक वाली जो भी स्क्रीन अपलोड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग बैक कर सकते हो और यहाँ पे थंबनेल आप लोग अपलोड कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए। जो भी थंबनेल ऐड करना है वो आप लोग थंबनेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल डायरेक्ट बैक करता हूँ और सीधे यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे टच करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे टच करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे टच करना है। स्टार्ट नाउ पे टच करने के बाद थोड़े ही समय में आपके स्क्रीन पे 3 सेकंड का टाइमर चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 सेकंड का टाइमर चलने लगा है और 3 सेकंड का टाइमर जैसे ही खत्म होगा वैसे जो भी गेम आपने सिलेक्ट किया रहेगा वो गेम अपने आप आपके फोन पे चालू हो जाएगा। जैसे आपके आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो गेम चालू हो जाएगा उसके बाद आपकी लाइव स्ट्रीम भी चालू हो चुकी है, आपका गेम भी चालू हो चुका है और आपकी लाइव स्ट्रीम आपके दर्शकों को दिखाई दे रही है। अब मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ कि आपकी लाइव स्ट्रीम आपके व्यूवर्स को कैसी दिखाई देगी। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ऊपर मेरे गेम प्ले की स्क्रीन दिखाई दे रही थी और नीचे मेरा ओवरले दिखाई दे रहा था जो कि बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं पीसी से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो एकदम बिल्कुल मस्त लग रहा था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे जो बबल दिखाई देता है उस बबल पे आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपना माइक वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन रखना है। माइक वाला ऑप्शन ऑन रखोगे तो ही आपके लाइव स्ट्रीम पे आपकी आवाज़ और आपकी गेम प्ले की साउंड जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों को कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके ऊपर आप लोग टच करोगे तो आपका जो प्यारा सा मुखड़ा है वो भी आपके लाइव स्ट्रीम पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो इस कैमरा वाले को, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है तो वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हो तो आप लोग मत रखो इस कैमरा वाले ऑप्शन को ऑन, यहाँ से ऑफ कर दो। चैट अगर आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ना है तो इसको आप लोग यहाँ से ऑन कर दो तो जो भी कमेंट्स आएगी वो आप लोगों को यहीं पे दिखाई देगी आपके स्क्रीन पे और आप लोग अपनी चैट्स को पढ़ सकते हो और वहाँ पे अपना मस्त अपनी
प्यारी सी आवाज में उसका रिप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बबल वाले ऑप्शन पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, ये जो प्राइवेट वाला ऑप्शन है, इसको आप लोग ऑन करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम पे आपकी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, आपको वो बी राइट बैक वाली स्क्रीन जो भी आप लोग सेटअप करोगे वो स्क्रीन दिखाई देगी आपके लाइव स्ट्रीम पे। तो इसका आप लोग उपयोग कर सकते हो, मैंने बताया जब गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब ये सारी चीजें करने के बाद में एक ही चीज बाकी रह जाती है, वो है स्ट्रीम को एंड करना। तो स्ट्रीम को एंड करने के लिए आप लोगों को सिंपली इस बबल पर टच करना है और यहाँ पे रेड वाली बटन पर टच करना है और यहाँ पे पूछेगा एंड लाइव, तो बोलना हाँ एंड लाइव। तो आप लोग जैसे एंड लाइव पर टच करोगे आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपने कितने देर तक लाइव स्ट्रीम किया और कितने व्यूवर्स आपके लाइव स्ट्रीम पे आए थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता देगा। तो गाइस ये था हमारा स्टारस्केप लाइव स्ट्रीमिंग ऐप जो कि अवेलेबल है एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए। जैसे कि मैंने बताया डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को, इंस्टॉल करो, यूज करो। मुझे तो बहुत पसंद आया ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, आपको कैसा लगा आप लोग भी जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो पसंद आई, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि आपके काम की बहुत वीडियोस मैं लाने वाला हूं। आप लोग अपने मोबाइल से और भी ज्यादा खतरनाक लेवल की लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो उससे रिलेटेड वीडियोस और भी ज्यादा आइडिया है अपने पास, वीडियोस बनेगी, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखो। और 100K तक भी तो पहुंचने का सपना है भाई इस गरीब का, तो सब्सक्राइब कर दो ना भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।